सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल का वीडियो मैंने सब्जी पे एंड किया था, तो ये उसका बाकी का पार्ट है ना। तो आप लोगों से होप करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा गाइस, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो सब्जी हमारी आलमोस्ट पक गई थी और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो नाश्ता के लिए चीला बना रही थी। तो चीला की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर रखा है, लेकिन ये वाला जो चीला है ना वो अलग तरीके से बना रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसमें मैं अपने हाथ का यूज़ करती हूँ, हाथ से ही मैं चीला बनाती हूँ, चम्मच का यूज़ नहीं करती। लेकिन इस तरीके से आप एक थोड़ा सा गड्ढा जिसमें रहता है ना, ये इस तरीके से गोलाई वाला चम्मच आपको लेना है, और इसमें आपको आटा का जो घोल है भरकर इस तरीके से तवे में चारों तरफ आपको राउंड करते हुए गोल से डाल देना है, तवे के शेप में, है ना। तो इस तरीके से भी चीला बहुत अच्छा बनता है और दोनों तरीके से बनाया जाता है फ्रेंड। तो इससे भी जालीदार चीला बनता है, लेकिन इससे थोड़ा सा थिक चीला बनता है और हाथ से बनाने से थोड़ा सा पतला चीला बनता है ना। तो यहाँ पे चीला जो है वो अच्छे से देखते हैं कितना सिकाया हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, इतना इसका मतलब ये है कि अच्छे से सिका गया है। अब इसको पलट देते हैं इस तरीके से, और बाकी का जो चीला है उसको भी वो बना लेगी। और यहाँ पर फिर मैं आपको दिखाती हूँ चीला, ये देखो ये चीला भी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था, और गरम गरम आप सब्जी के साथ, चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। छत्तीसगढ़ का चीला बहुत फेमस है, आप लोग ट्राई करिएगा। चावल आटे का बनता है, कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ चावल का आटा, उसमें नमक डाल के आपको घोल बनाना है और इस तरीके का चीला। तो सब्ज़ी मैंने आपको दिखाया था कल, ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो चलो मैं अब कर लेती हूँ नाश्ता। ये देखो, वैसे तो जब मैं घर में रहती हूँ तो बिना नहाए कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहले बिना नहाए खा रही हूँ, मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह हो गया था, ब्रश वगैरह सब कर लिया था, चाय वाय सब हो गया था। और चीला जो है ना वो गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चीला और जो गोभी और नवल गोल की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो मैं लेके बैठ गई हूँ। और ये देखो ये जो चीला है गाइस, जो पहला बाइट है, काश मैं आप लोगों को खिला सकती, तो ये सबसे पहला वाला बाइट आप लोगों के लिए, और बाकी का जो मैं खा रही हूँ वो मेरे लिए है ना। तो यहाँ पे मेरी बहन हंस रही थी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था चीला भी और सब्ज़ी भी, और मैं उसको बुला रही थी कि चलाओ तुम भी आओ साथ में खाते हैं। तो हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, वो बना रही थी और साथ में हम लोग खाए भी, लेकिन मैंने उसका सूट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए, है ना। तो आप लोग आगे वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड। हाय तो बोल दो, फोटो खींचा का हाथ में, हाय बोल दो। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नहाना और खाना भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था तो उतना ज़्यादा तो खाने की हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग रेडी सेडी हो रहे थे, और यही वाला मैं सूट पहन के आई थी। मेरी बहन मुझे काफ़ी बोली कि साड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, बट हमें कहीं जाना है और जहाँ जाना है ना वहाँ हमको पैदल यात्रा जाना है, तो साड़ी में मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाती, ये सोच के मैंने फिर प्लानिंग कैंसिल कर दिया। बहुत सारी मैंने साड़ियाँ निकाली थी कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, बट आखिरी में मैंने सोचा कि नहीं यार, सूट ही पहन लेती हूँ क्योंकि चलने में फिर मुझे दिक्कत होगी इसलिए। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बहन भी रेडी हो गई है, बस सॉक्स वगैरह पहन रही हूँ क्योंकि ना मेरे पैर में पसीने नहीं आते तो फटते बहुत है, और गांव में तो आप जानते हो, गांव में हो तो धूल की वजह से और जल्दी मतलब फट जाते हैं एरिया, है ना। तो इसलिए मैं कहीं भी अगर आना जाना रहता है तो सॉक्स वगैरह पहन ही लेती हूँ। तो बस अभी 12 बज चुके हैं, दिन के 12 बज चुके हैं, और हम लोग दोनों रेडी हो चुके हैं, और अब इसके बाद जाएंगे हम लोग गांव। तो यहाँ से हमको बस स्टैंड जाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी हाँ, जिस गांव में मेरी बहन रहती है वहाँ पे कोई बस नहीं चलता, हमको 2 किलोमीटर चल के जाना है तब हमको फिर बस मिलेगा, है ना। उसके बाद बस से उतरने के बाद हम जिस गांव में जाएंगे वहाँ हमको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा गाँव तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ भी बस नहीं चलता। अब सोचो, है ना। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अभी
अभी हम लोगों को एक गांव जाना है, एक दादी को देखने। उसका तबीयत ठीक नहीं है, सो उसको देखने के लिए निकल रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर मैं सीधा घर चले जाऊंगी, है ना। तो और ये वाली जो वीडियो है इसका एंड में यहीं पे करती हूँ गाइस। मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। अपना सब ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। ओके सो चलो गाइस, मैं निकलती हूँ, बाय। और अगर हो पाएगा ना तो मैं वहाँ की वीडियो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी, अगर मैं शूट करती हूँ तो। सो लव यू गाइस, बाय बाय। सो गाइस, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि हमें एक गाँव जाना है एक दादी को देखने के लिए। तो बहुत टाइम हो गया, इधर कोई बस नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, और हम लोग दोनों जने चल रहे हैं पैदल। और मेरी हालत हो गई है ख़राब। मैं थोड़ा सा रुकी हूँ यहाँ पे पेड़ के छाँव पे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और पीछे है रेलवे फाटक, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो मेरी बहन आगे हो चुकी है, देख सकते हो आप, और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। और अभी बहुत दूर है क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तब आई थी, और उसके बाद मैं जवानी में यहाँ आ रही हूँ, तो मुझे रास्ता बिल्कुल पसंद पता नहीं है। इसको पता है ये आई थी, तो बस जा रहे हैं पैदल पैदल, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी हालत ख़राब हो गई है सही में। तो चलो हम लोग वहाँ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, थोड़ा सा व्यू आप लोग को दिखा देती हूँ। ओके गाइस, हम लोग को अभी अभी हम लोग सीधा आधे रास्ते में पहुंचे हैं। जो थोड़ा जोर से बोलो, लाउड करो। आधे रास्ते में पहुंचे हैं, अभी बहुत दूर जाना है हम लोग को। चल चल के हमारा हाथ पैर दुख गया है। सो गाइस, सुना आप लोगों ने, मेरा तो ऐसा लग रहा है मैं आधी हो जाऊंगी। पहुंचते पहुंचते मैं आधी हो जाऊंगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो चलो गाइस, पहुंच के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके तो डियर, हम लोग गांव के रास्ते में आ चुके हैं, और आपको दूर से दिख रहा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ ना, वो है मेरे दादाजी, मेरे दादी के भाई, और मैं अपने दादी के गांव जा रही हूँ। और ये हमेशा 4 किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव से मार्केट आते हैं सब्जी लेने के लिए। और आप देख सकते हो कि ये चल नहीं पा रहे हैं गाइस, और सॉरी मैं आपको पास से नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो पास आ रहे थे ना, तो फिर मैंने वीडियो कट कर दिया, क्योंकि कितने सालों के बाद मैं उनसे मिल रही हूँ और वीडियो बनाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। तो दादाजी से हम लोग मिल लिए और पैर वगैरह छू लिए, तो दादाजी बोले कि मैं ठीक हूँ, जा रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ। तो हम लोग घर जा रहे हैं, और ये जो तालाब मैंने आपको दिखाया, इस तालाब में हम लोग पहले नहाने आते थे जब मैं छोटी थी। तो फाइनली यहाँ पे घर आ चुका है, और मुझे तो याद भी नहीं था क्योंकि मैं यहाँ 22 साल के बाद आ रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो 22 साल क्या होता है। जहाँ मैं अपनी दादी के साथ जब मैं छोटी थी ना तब आती थी, और ये मेरा दादी का मायका है फ्रेंड, है ना, मेरी दादी का मायका, मैं यहीं आई हूँ। और यहाँ मेरी जो दादी की भाभी है ना, मतलब वो भी एक दादी है जो बीमार है काफ़ी दिनों से, उनको देखने आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रही हूँ ना कि सत्य में जय कुछ लिखा है, सॉरी मैं ठीक से देख नहीं पाई, सत्य में शायद 1000 हाथियों का बल होता है, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये सब दादाजी लिखते हैं, और ये है दादी। मैं थोड़ा सा बस क्लिप आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और शायद आप लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, आप लोगों का भी दिल भर आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बस दादी को देखने आए थे, दादी को देखने के बाद बाहर का घर का व्यू दिखा रही हूँ। तो ये है इमली का पेड़, और ये इमली का पेड़ तब भी था और आज भी है ना। तो यहाँ पे बहन ने बोला कि इमली खाते हैं, तो बस मैं इमली तोड़ दी थी पेड़ से। और बगल में जो कुआं है ना, इस पानी से हम लोग नहाते थे, बट अब इसका कोई यूज़ नहीं है, बस सब्जी वगैरह उगाए हैं उसी में डालते हैं। और क्या बोलूँ मैं, इतने सालों के बाद आई हूँ, मतलब दिल इतना भर गया ना एक एक चीज़ को याद करके, मतलब जो चीज़ें थी ना वो एकदम नज़र के सामने आ रही थी। तब मैं उतनी छोटी भी नहीं थी और उतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी मुझे याद रहा वो मेरे नज़र के सामने आ रहा था। और मेरी दादी एक्सपायर हो गई फ्रेंड पिछले साल कोरोना में, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी। और दादी को
गुजरे 1 साल हो गया है। और ये जो दादी है ना, जब अच्छी थी तो हमारे यहाँ आती थी जाती थी, लेकिन ये दादी भी पिछले 5 महीनों से काफ़ी बीमार है। 5 महीनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, बस पाइप के द्वारा, लिक्विड के द्वारा वो जी रही हैं। तो काफ़ी दिनों से मन था देखने का, बट प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। कभी मैं फ्री होती थी तो बहन फ्री नहीं होती थी, कभी वो फ्री होती थी तो मैं फ्री नहीं होती थी। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, चलते हैं, समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए 22 साल के बाद मैंने सोचा कि नहीं, जाना ही चाहिए। और इतने किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए थे सिर्फ दादी को देखने के लिए। और आप लोग दुआ करना कि जो दादाजी हैं वो अच्छे रहे, क्योंकि कम से कम दादी बीमार है तो दादाजी जो है वो अच्छे रहे। और दादाजी जो है ना, वो एक रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर थे वो, जो रिटायर हो चुके हैं। और कभी भी अपने लाइफ में उन्होंने ना साइकिल चलाया ना बाइक, बस पैदल यात्रा करते हैं। और भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे। तो यहाँ पे मैं आपको बेर का पेड़ दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा बेर फला हुआ है, कच्चा कच्चा है, और कैमरे में तो उतने अच्छे से आपको दिखा नहीं होगा, है ना। तो ये था बगीचा। और अब बोलते हैं ना कि बंटवारा हो जाता है तो सब हाँ इधर उधर हो जाता है, तो इधर वाला पोर्शन बस इन लोगों का है, उधर का दूसरे का है। तो यहाँ पे ये बुआ की बेटी है जो दिखा रही थी हम लोगों को, है ना। और ये है कुआं, मैं बताया ना कि हाँ हम लोग नहाते थे इस पानी से, क्योंकि पहले हम लोग तालाब नहीं जाते थे, तालाब थोड़ा सा दूर में है ना, तो कभी कभी जाते थे, लेकिन मोस्टली घर के सारे लोग इसी कुएँ के पानी से नहाते थे। तो यहाँ पे मैं आपको कछुआ दिखा रही थी, बच्चों ने बता रहे थे कि बच्चे यहाँ पे कछुआ ला के छोड़े हैं, तो देखो कितना बड़ा सा कछुआ है, वो मैं आपको दिखा रही थी फ्रेंड। और दिल मेरा बहुत ज़्यादा भर आया था, और मेरी बहन तो दादी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संभाला अपने आप को, क्योंकि क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे बस आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। और चलो जो मैंने इमली तोड़ा था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने बस 3 इमली गिराया था, बाकी बहुत ऊपर था तो मैंने नहीं गिराया। और बस बुआ के आने का वेट है, और बुआ जैसे ही आती है हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, और उसके बाद फिर घर के लिए मैं निकल जाती हूँ। 5:30 बजे का मेरा बस था, और बस का ही सही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद ज़रूर आया होगा आप लोगों को, होप करती हूँ। तो लाइक से सब्सक्राइब करना और प्रे करना कि दादी जी का तबीयत अच्छा हो जाए और दादाजी भी हमेशा स्वस्थ रहे। सो लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।